जैसा कि आप लोगों का क्लास 11th से अक्टूबर मंथ का मासिक परीक्षा होने जा रहा है, तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि बिल्कुल ही 100% ओरिजिनल पेपर लेकर के आ चुका हूं। आप लोग देख सकते हो प्यारे बच्चों, बिल्कुल ही आपके एग्जाम में 100% आएगा। तभी इस वीडियो में मैं आपको ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों का आंसर भी बताऊंगा, PDF कहाँ से डाउनलोड करना है वो भी सिखाऊंगा। पहले आप लोग देख लो, यहाँ पर आपका विषय कोड 160 रहेगा, टाइम 1.5 घंटा का मिलेगा, 50 मिनट का एग्जाम होगा। इसके बाद आपका केमिस्ट्री का पेपर आ रहा है, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके तैयार रहना। देखो 1 से लेकर 30 तक ऑब्जेक्टिव आप इसमें से मात्र 25 क्वेश्चन बनाना, तो मैं जल्दी जल्दी से आपको बता दूंगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पर मैं क्वेश्चन वगैरह नहीं पढ़ूंगा। पहला क्वेश्चन है कि यदि किसी पूर्ण गैस का परास गुणांक यदि अल्फा है तो तापमान जो है ना ताप परम शून्य होगा। तो देखो पहला का ऑप्शन नंबर बिल्कुल ही हो जाएगा आपका, मेरे को प्रॉपर नहीं याद, इसको छोड़ देना। 25 बनाना है तो मैं आपको 25 का बताता हूँ। देखो मेरे पास टाइम बहुत कम है, इसलिए मैं बिना क्वेश्चन पढ़े डायरेक्ट आंसर बताता हूँ, ठीक है। तो देख लो, विशिष्ट ऊष्मा धारिता का ऐसा मैटर क्या होता है, तो पहला का याद रखोगे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। दूसरा का, तीसरा का नोट करोगे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। टाइम बहुत कम है प्यारे बच्चों, इसलिए फटाफट से बता रहा हूँ, आप नोट करते चलना। 4 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो है ना ए हो जाएगा। 5 का ऑप्शन नंबर मेरे को नहीं याद, इसको छोड़ देना। इसे जैसे बोला ना कि निम्नलिखित में से कौन जलने का जो ना अधिक प्रभाव उत्पन्न करता है, तो जलने पर अधिक प्रभाव उत्पन्न करेगा ना, तो ये आपका हो जाएगा जो ना जलवाष्प, गर्म वायु या फिर गर्म वायु होगा, ऑप्शन नंबर ये नोट कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन का देख लीजिएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा 0 डिग्री, और 7 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो आप इस प्रकार से यहाँ पर देखो, मैं 7 का दिखा दे रहा हूँ, 7 का बी नंबर हो जाएगा, यहाँ पर नोट कर सकते हो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर 8 नंबर है। 8 नंबर का आंसर आप लोग नोट करेंगे तो डी नंबर बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा, 400 जो है ना 846 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखेंगे, 9 नंबर बोला जा रहा है, 9 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो है ना यहाँ पर मेरे को नहीं याद, इसको छोड़ देना, ठीक है। ऐसे चलो फटाफट से आगे बढ़ते हैं। 9 के बाद 10 नंबर है, 10 का भी छोड़ सकता हूँ, जैसे कि ताप की अवधारणा मिलती है। तो देखो ताप की अवधारणा जो ना न्यूटन के तीसरे गति नियम से मिलती है, मेरे को प्रॉपर याद नहीं, आप देख सकते हो या फिर छोड़ देना। चलो 11 का नोट कर लेना, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे तो 12 नंबर है, 12 का डायरेक्ट देख रहे हो ऑप्शन नंबर ए होगा। आप 13 का नोट करोगे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, और 14 का भी ऑप्शन नंबर जो ना मेरे को याद नहीं, छोड़ देना। चलो आगे बढ़ते हैं। 14 के बाद आपका 15 नंबर क्वेश्चन है, 15 का ऑप्शन नंबर जो ना डी हो जाएगा, आप लोग यहाँ पर नोट कर सकते हो। डी नंबर बिल्कुल ही 15 का करेक्ट होगा, आंतरिक ऊर्जा। देखो प्यारे बच्चों, मैं पहले इसका PDF बता देता हूँ क्योंकि सब्जेक्टिव का आंसर अभी इस वीडियो में मैं आपको नहीं बताने वाला हूँ, इसलिए गूगल से मैं आपको डाउनलोड करने के लिए सिखा देता हूँ। आप लोग वीडियो देखने के बाद जाकर के अच्छे से डाउनलोड करके लिख लेना। तो चलिए फटाफट से आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, तो आंसर की डाउनलोड करने के लिए आप लोग अपने फोन में गूगल को ओपन करके सर्च बार के आइकन पे क्लिक कर लीजिए। और अभी आप इस चैनल पर जो वीडियो देख रहे हो, चैनल का नाम है मिथुन स्टडी सेंटर, तो आप लोग गूगल में आकर के चैनल का नाम जो है मिथुन स्टडी सेंटर सर्च कर लीजिए, ठीक है। देखो मिथुन स्टडी सेंटर बस सर्च करना है, पर मैंने ज़्यादा ही सर्च कर दिया, ऊपर करोगे 1 सेकंड में काट देता हूँ, फिर से करता हूँ। आप लोगों को क्या करना है, गूगल में आना है, मिथुन स्टडी सेंटर एक बार सर्च कर लेना अच्छे से, ठीक है। चलिए मिथुन स्टडी सेंटर आप लोग क्या करेंगे, सर्च कर लेंगे। उसके बाद मिथुन स्टडी सेंटर सर्च करने के बाद आप लोग जैसे ही सर्च कर लीजिएगा इस प्रकार से, ठीक है, एक बार कर लेते। सर्च करने के बाद इस प्रकार से इंटरफेस बनेगा, आराम से स्क्रॉल डाउन करिएगा। देखो फर्स्ट में मिथुन स्टडी सेंटर का ऑफिशियल वेबसाइट मिलेगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद पेज वगैरह को आपको रेफरेंस नहीं करना है, आराम से स्क्रॉल डाउन करके नीचे चले आना है। यहाँ पर आओगे तो आपके सामने देखना क्लास जो है ना 11th का सेशन मिल रहा है, क्लास 11th अक्टूबर मंथली एग्जाम क्वेश्चन पेपर डाउनलोड, तो फर्स्ट वाला पर क्लिक कर दोगे। इस प्रकार से इंटरफेस पेन होगा, पेज वगैरह को आप लोग रेफरेंस नहीं करना, नीचे चले आना, ठीक है। इस प्रकार से आओगे तो यहाँ पर देखना साइंस का सेशन मिलेगा, यहाँ पर फिजिक्स है, फिजिक्स के सामने डाउनलोड लिखा है, डाउनलोड पर क्लिक कर दोगे। यहाँ पर पेज वगैरह को रिफ्रेश आप कर देना, आपको सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों का आंसर दिख जाएगा। तो यहाँ पर देख लो, ये ऑब्जेक्टिव का प्रॉपर है, सब्जेक्टिव का दिखेगा, तो आइए पेज को रिफ्रेश करके यहाँ से डाउनलोड करके लिख। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा, 16 नंबर है, 16 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर दी आपका, और 17 का आप नोट करेंगे ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 17 के बाद आपका जो ना 18 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे, फटाफट से नोट करते चलो, वीडियो को लाइक कर लेना, ठीक है। चलो 18 नंबर का ऑप्शन नंबर जो ना डी हो जाएगा, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, थोड़ा लंबा लंबा क्वेश्चन होगा, ठीक है। चलो 18 का डी नंबर हो जाएगा, नोट कर लेना यहाँ पर। और 19 नंबर है तो 19 का भी ऑप्शन नंबर जो ना ए होगा, और 20 का नोट करोगे तो ऑप्शन नंबर इसका भी ये हो जाएगा, और 21 का भी ऑप्शन जो ना प्यारा बच्चों यहाँ पर नोट कर लेना, ए नंबर बिल्कुल ही करेक्ट होगा, स्टीफन का नियम, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे आप लोग। 21 के बाद 22 नंबर है, 22 नंबर का जो ना प्रॉपर आंसर नोट कर लेना, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं 23 नंबर क्वेश्चन, 23 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप लोग नोट करेंगे, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही करेक्ट होगा। 24 का नोट करोगे, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर जो ना 25 नंबर क्वेश्चन है, 25 का ऑप्शन होगा, 26 का ऑप्शन नंबर आप लोग नोट करेंगे तो सी नंबर बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 27 नंबर क्वेश्चन नोट कर लेना, इसका भी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग नोट करेंगे, प्यारे बच्चों मैं पढ़ नहीं रहा हूँ क्योंकि टाइम बहुत कम है इसलिए, ठीक है। 28 का नोट करना, सी नंबर करेक्ट है, टाइम आपके पास होगा, मेरे पास नहीं, इसलिए फटाफट से बता रहा हूँ, आप नोट करते चलना, ठीक है। 29 का नोट करना, सी डी हो जाएगा, 30 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो मैंने प्रॉपर बता दिया, सब्जेक्टिव की बात कर लेते तो वीडियो नहीं आएगा प्यारा बच्चों, इसका आंसर मैं गूगल से जहाँ बताऊँ, जाइए पेज वगैरह को रिफ्रेश करिए, वहाँ पर आंसर मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।